फाजुमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम मिर्ची के पकोड़े बनाने वाले हैं। ये काफ़ी टेस्टी और इजी रेसिपी है, आप ये तुरंत बना सकते हो, इसके लिए हमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं मिर्ची के पकोड़े। मिर्ची के पकोड़े के लिए हमें सामग्री इस प्रकार लगेगी। हमें आधा कटोरी बेसन लगेगा, ये मोटी वाली मिर्ची लेनी है हमें, पतली वाली नहीं लेनी है। हींग, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और तलने के लिए तेल, इतनी ही सी सामग्री काफ़ी है हमारी टेस्टी मिर्ची पकौड़ा बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिर्ची के पकौड़े बनाने के लिए। अभी हम एक मिर्ची ले लेंगे, इसे हमें कट करना है। तो सबसे पहले इसे हल्के हाथों से ऐसे बीच की तरफ से इसे कट कीजिए। अभी आप देख सकते हो हमने ये कट कर लिया है। अभी इसके अंदर जो बीज है वो हमें सारे निकाल लेने हैं। इसे हल्के हाथों से सारे बीज निकाल लीजिए। ये देख सकते हो ये ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। अभी जो हमने सारे मसाले लिए थे वो अभी मिक्स कर देंगे हम। ये सारे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, हमें ये मिर्ची के अंदर डालने हैं। ये अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए, आप देख सकते हो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अभी हम मिर्ची ले लेंगे और जो हमने मिक्स किया हुआ मसाला है वो लेंगे और इस मिर्ची के अंदर सारा ऐसे डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से पूरा भर दीजिए। ऐसे करके हम सारी मिर्ची ऐसे ही भर के ले लेंगे। एक कटोरी ले ले, उसमें हमने जो बेसन का आटा लिया है वो लेते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए। इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दे, ये पेट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और थोड़ा सा खाने का सोडा डाल दे, इससे हमारी जो पकोड़े हैं वो काफ़ी फूल जाएंगे और अच्छे बनेंगे। अभी हम इसमें पानी डाल देंगे, इसे ज़्यादा हमें मोटा भी नहीं करना है, ज़्यादा पतला भी नहीं। हमें इसमें हमारी जो मिर्ची के पकोड़े मिक्स कर लेंगे, इसे ज़्यादा मोटा और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। अभी हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से गर्म होने दीजिए। अभी हम एक मिर्ची ले लेंगे और इसे हल्के हाथों से इसे डिप करना है, क्योंकि इसके अंदर का मसाला नहीं निकलना चाहिए। और ये हम गरम तेल में इसे डाल देंगे। इसे ब्राउन होने तक थोड़ा पका लीजिए। ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से फूल चुका है। आप देख सकते हो हमारे मिर्ची के पकोड़े रेडी हो चुके हैं। अभी इसे हम एक पेपर टॉवल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारे मिर्ची के पकोड़े बनके रेडी हो चुके हैं। ये काफ़ी टेस्टी और स्वादिष्ट डिश है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बिल्कुल ज़रूर बताइए कि ये कैसे बने थे। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भूलिए मत। धन्यवाद।